नमस्कार, हेलो एवरीवन, एवरग्रीनस की में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि होली आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि होली का जश्न तब तक अधूरा सा लगता है जब तक आप उसे रंगों से न खेलें। दोस्तों, रंगों के बिना होली खेलने की कल्पना नहीं की जा सकती। होली का महत्व रंगों से है, तो इसलिए इसकी पहचान ही इन रंग बिरंगे खूबसूरत रंगों से है। दोस्तों, होली के कई दिन पहले मार्केट में होली के रंग बिकने शुरू हो जाते हैं। मार्केट में होली के कई तरह के रंग मिलते हैं, उनमें से एक तो है केमिकल से भरे रंग, दूसरा होता है शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को पीस कर बनाया गया चमकीला रंग, और तीसरा प्राकृतिक रंग। दोस्तों, केमिकल वाले रंग में अलग अलग तरह के कई सारे केमिकल मिले होते हैं। इसमें बालू, शीशा, मिट्टी, कॉपर सल्फेट, माइका जैसे और भी कई तरह के हानिकारक केमिकल मिले हो सकते हैं, जो कि आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपकी सेहत और आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि इससे आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो सकती है, अगर ये रंग स्किन पे लगता है, स्किन पर जलन फट सकती है, स्किन या खरोच या खुजली या किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। और जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके चेहरे में या पूरी बॉडी में लाल रंग के कई सारे मोटे मोटे या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या घाव वगैरह भी हो जाता है। और अगर आंखों में ये केमिकल से भरा रंग चला जाए, जो कि आंखें हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर उनमें ये केमिकल से भरा रंग चला जाए तो इससे आपको खुजली, जलन या आंखों में धुंधलापन और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा हो सकता है। और मुंह में ये किसी द्वारा चला जाए रंग तो छाले हो सकते हैं, बालों में चला जाए तो बालों की जड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये रंग सस्ते मिलते हैं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते भी हैं, तो इसलिए आप इन खतरनाक केमिकल से भरे रंगों से बचने के लिए आप अपने घर पर खुद नेचुरल चीज़ों की मदद से बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार रंग बना सकते हैं, जो आपकी स्किन के लिए पूरी तरह से सेफ होगा, सेहतमंद होगा। क्योंकि हर्बल नेचुरल कलर हैं तो इससे आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये पूरी तरह से सेफ होते हैं और आप इसे बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, और इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे बनाएं इन नेचुरल कलर्स को। तो फ्रेंड्स, इन प्राकृतिक रंगों को आप हल्दी, चंदन, सब्जियां या फलों के छिलकों की हेल्प से घर पर नेचुरल कलर बना सकते हैं। तो मैंने इन्हें किन चीजों की मदद से इन नेचुरल कलर्स को बनाया है, तो आइए जल्दी से देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इन नेचुरल कलर्स को बनाने के लिए आप ले लीजिए सबसे पहले एक क्लीन एम्प्टी बोल, और इसमें आपको डालना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। तो आपको जितना कलर बनाना है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, एक साथ नहीं डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको डालना है, वरना एकदम से रनी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन होली के रंगों को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है जब आप इससे कलर बनाते हैं। वैसे इन दिनों में धूप बहुत कम आती है और कभी तेज़ भी आती है, तो अगर धूप कम भी है तो भी आपका ये आधे दिन में बनकर तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी से, और अगर धूप तेज़ आ रही है तो आपका 2 घंटे में ये कलर बनकर रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी सूखता है ये। तो आज मैं इन नेचुरल कलर्स को फूड कलर की हेल्प से बनाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सब्जियों की मदद से नेचुरल कलर को बनाया था, तो उसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो अगर आप सब्जियों की मदद से नेचुरल कलर बनाना चाहते हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ले रही हूँ जिससे मुझे ग्रीन कलर मिल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दिया है और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अगर पतला हो जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लीजिए। तो अब मैं इसमें खुशबू के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई सा भी इसमें डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स इसमें मैंने डाली हैं, इससे इन रंगों में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आप टेलकम पाउडर होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हरा रंग बनाने के लिए सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। तो आप इसे कागज़ का पत्ता या फिर कोई भी प्लेट या फिर पन्नी है अगर घर पर, तो उसमें आप इसे रख के इस तरीके से फैला लीजिए। इसके बाद आप इसे धूप में रख दीजिए, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अगर धूप बहुत अच्छी आ रही है तो 2 से 3 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है, और अगर धूप थोड़ी कम आ रही है तो आधे दिन में तो पूरा बनकर रेडी हो ही जाता है। दूसरा कलर बनाने के लिए मैं वही सेम 2 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूंगी पीला रंग बना रही हूँ तो येलो फूड कलर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मिक्स कर देंगे इसको हम अच्छे से, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी इसकी बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा हम इसमें करीब 3 से 4 बूंद
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में डाल रही हूँ, कोई सा भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर खुशबू के लिए। तो वही मैं सेम कागज की प्लेट में मैं इसे डाल रही हूँ, आप कोई सा भी प्लेट में डाल सकते हैं और फैला लेंगे इस तरीके से। तो पीला रंग बनाने के लिए सॉल्यूशन तैयार है। तो अब हम अपना तीसरा कलर बनाएंगे, वही 2 चम्मच करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, इसमें मैंने डाल दिया है रेड फूड कलर थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके की कुछ कंसिस्टेंसी हम रखेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है इसलिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया बस। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वही एसेंशियल ऑयल में मिक्स कर रही हूँ 3 से 4 बूंद करीब, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और फिर वही सेम प्लेट में हम इसको रख देंगे और थोड़ा सा फैला लेंगे। तो हमारा होली के लिए ये लाल रंग का सॉल्यूशन भी तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट कलर, वो मैं नीला कलर बनाने वाली हूँ। इसके लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया नीला रंग थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा नीले रंग के लिए भी सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। बस मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंद, इसमें मैं डाल रही हूँ और मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही सुंदर खुशबू आती है इससे, तो एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। वही सेम प्लेट में हम इसको फैला देंगे इस तरीके से। तो बस तैयार है हमारे ये 4 खूबसूरत से अलग अलग रंग के सॉल्यूशन। अब हम इसे धूप में रख देंगे। तो धूप ठीक ठाक आ रही है तो मैं इसे धूप में रखाती हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे सूखने में। सो गाइस, जो हमारे कलर हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो 2 बजे करीब मैंने ये कलर बनाया था दिन में, और 4 बजे मैं लेने गई क्योंकि धूप जा चुकी थी, और सिर्फ 2 घंटे में देखिए कितने अच्छे से सूख गया। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इंस्टेंट अगर आपको कलर बनाना है तो, इससे बेटर आइडिया कुछ भी नहीं हो सकता है। कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इससे अगर आप कलर बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको कलर बनकर रेडी हो जाएगा। तो कम धूप भी आ रही है तो भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, काफ़ी दिनों का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसे सुखाने के लिए। बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे की धूप में कितने अच्छे से सूख गया है। आप इसे हाथ से इस तरह से क्रश कर इसको पीस सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप मिक्सी जार में इस रखकर इसको इसका पाउडर बना लीजिए। तो ये देखिए मेरा ग्रीन कलर जो है वो भी बहुत अच्छे से सूख गया है, हाथ से क्रश करने पर ईजिली ये क्रश हो रहा है। तो आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से उसका पाउडर बना सकते हैं, चाहे हाथ से क्रश करके चाहे आप मिक्सी जार से क्रश करके इसका पाउडर बना लीजिए। तो ये देखिए मैं हाथ से आराम से इसे क्रश कर रही हूँ, कोई इसमें मेहनत नहीं लग रही है, आराम से हाथ में छूते ही ये एकदम से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम कलर देखिए कितना प्यारा बना है, बहुत ही खुशबू भी बहुत सुंदर आ रही है क्योंकि हमने इसमें एसेंशियल ऑयल डाला है, तो बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं ये जो येलो कलर है जो मैंने बनाया था इसको मैं मिक्सी जार में पीस लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो पीले रंग को भी मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, और ये देखिए कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है, अब बहुत बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। तो इसको भी मैं प्लेट में रख देती हूँ और फिर मैं इसी तरीके से बाकी के कलर को फटाफट से पीस कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे जो कलर्स हैं होली के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, घर पे बनाए हमने, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गए हैं, और बहुत बहुत सुंदर खुशबू आ रही है इन रंगों में। इसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, ये स्किन पे लगते ही बहुत ही अच्छे से लग जाता है कलर। और ये कलर अब चाहे आपकी स्किन पे लगे, आपके बालों में लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका। बेहिचक आप इनसे होली खेल सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, बड़ों को लगा सकते हैं। इन कलर्स को डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा शिमर पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से, जिससे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे हमारे कलर। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से सेफ है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, फूड कलर से बनाया गया है, और आपको पता है कि फूड कलर्स तो हम खाते भी हैं, तो ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा क्योंकि पूरी तरह से सेफ है हमारी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब तो आप जान ही गए कि होली के कलर्स को अपने घर पर कैसे बनाया जाए। तो इस बार ज़रूर बनाइएगा अपने घर पर, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो घंटी का बटन उसे भी ज़रूर बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।